जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम सरकार जी की शादी यानी पूज्य गुरुदेव भगवान जी की शादी आखिर क्यों हो रही है? दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना धूमधाम से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और आप लोग के सामने अभी उनके कुछ बातें हैं जो कि मंच पे वो बोले थे, मैं वो भी प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी भक्त देख रहे हैं, प्लीज वीडियो में हमारे बने रहें और एक एक शेयर अवश्य कर दे। दोस्तों, आज दिखाएंगे शिवरंजनी तिवारी और पूज्य गुरुदेव भगवान जी की शादी हो गई है, होने वाली है। दोस्तों, तैयारी यहाँ पे जोर शोर में चल रही है और पूज्य गुरुदेव भगवान जी शिवरंजनी तिवारी कहाँ पे बैठ के मेकअप यानी कि सभी लोग सज बज रहे हैं। हम सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पहले आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे नृत्यांग यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ के कुछ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ उधर बाउंसर लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि कोई भी छेड़छाड़ किसी माता बहने के साथ नहीं होना चाहिए। और आखिर शादी दोस्तों क्यों हो रही है, क्या सच में हो जाएगी ये तैयारी, आखिर इतनी भव्य तैयारी क्यों हो रही है? दोस्तों, आप लोग सुन के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान जी की शादी हो रही है, क्या हो रही है। दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आप सबके बीच में शेयर करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं का विवाह रखा गया है, तो उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान जी को नीर रहना चाहिए था। आखिर ये क्या हो रहा है, क्या होना था, क्या हो रहा है? दोस्तों, अब यहाँ पे सजावटें कितनी मस्त की गई है, व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं में कमी नहीं है दोस्तों। लेकिन शिवरंजनी तिवारी जी से शादी आखिर क्यों कर रहे हैं वो? क्या शिवरंजनी तिवारी जी इनके ऊपर कुछ ऐसा वैसा कुछ फीलिंग या फिर कुछ अफेयर? दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप लोग सुन के होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग के बीच में कुछ सुना दें। और नृत्यांगना कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों, आप लोग पहले देखिए और सुनिए, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो हमारे बने रहें। और आज बागेश्वर धाम सरकार शिवरंजनी तिवारी जी की शादी इतने धूमधाम से आखिर क्यों हो रही जी? हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहें, आप लोग को लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कुछ माताएं बहनें तैयार हो चुकी हैं, सब लोग कलश लेके दोस्तों। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी भव्य व्यवस्थाएं की गई है और पूज्य गुरुदेव भगवान जी आखिर कहाँ है, कहाँ बैठी है शिवरंजनी तिवारी, जो कि आप लोगों को बेसब्री से दोस्तों इंतजार है। और आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी श्री राम भक्त यह वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे वीडियो में बने रहें। आखिर शिवरंजनी तिवारी और पूज्य गुरुदेव भगवान जी की शादी क्यों हो रही है, क्या हो जाएगी, सच में क्या है, सच है? जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सबको कुछ जानेंगे। लेकिन पहले आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट में अवश्य बताएं। और आप सबको एक चीज़ पता होगा कि बागेश्वर धाम छतरपुर में दोस्तों भव्य व्यवस्था चल रहा है, 151 कन्याओं का विवाह। जी हाँ दोस्तों, क्या वो विवाह में शामिल पूज्य गुरुदेव भगवान जी पहले कितना लीन रहते थे, लेकिन आखिर ये शादी क्यों हो रही है पूज्य गुरुदेव जी की और शिवरंजनी तिवारी जी की? तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि छतरपुर में, एमपी में। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि कहाँ पे 151 कन्याओं का विवाह होगा और कहाँ पे बैठे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान जी और शिवरंजनी तिवारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाइव में देख भी पा रहे होंगे और आपको सुनाने वाले हैं इस वीडियो में कि कहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान जी क्या बोले हैं मंच पर। दोस्तों, क्या बोले हैं वो, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। ये सीन जो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे भक्त, जो कि यहाँ पे बालाजी जो भी आते हैं दोस्तों एमपी छतरपुर में बागेश्वर धाम में, दोस्तों वहाँ पे सबकी बिगड़ी बन जाती है
और दोस्तों आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितने भी भक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं और 151 कन्याओं का विवाह मार्च में यानी कि महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों रखा गया है, तो आप लोग जितने भी दूर दूर से हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए और आनंद उठाइए दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री विधायक सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े महात्मा जैसे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और तमाम संत यहाँ पे मौजूद रहेंगे दोस्तों। तो आप सबसे हाथ जोड़ के हम विनती करना चाहते हैं, जितनी माताएं बहनें हैं वो पहुँचे और अपना अपना आशीर्वाद उस कन्याओं, उस गरीब कन्याओं के ऊपर अवश्य आप लोग थोड़ा लाइव सुन लीजिए। कौन है राम जी? आज विवाह महोत्सव की पंचमी किसकी है? राम जी। भैया सखिया राम के रूप को देख करके विमोहित हो गई। जब विवाह हो गया तो अपने यहाँ एक परंपरा है, शादी के बाद दूल्हा को कलेवा पराया जाता है। हाँ जी, मैं